हाँ देखा जाए यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12th के केमिस्ट्री इंटेक्स्ट 1.16 सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के अंदर में ही है, ठीक है। जिसमें सवाल कहता है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन। एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जनरल कोई भी एलिमेंट है, एम और एन, एम और एन दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड को बना रहा है, ठीक है, किसी क्रिस्टल को बना रहा है। अब ये कौन सा क्रिस्टल है, तो ये हमारा सीसीपी क्रिस्टल है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल है। अब क्यूबिक क्लोज पैक्ड में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। तो ये सीसीपी क्रिस्टल है और सीसीपी क्रिस्टल में लिखा हुआ है कि द एलिमेंट एन फॉर्म सीसीपी, एलिमेंट एन जो है वो सीसीपी बना रहा है, माने कि सीसीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो एलिमेंट के द्वारा जो फॉर्मेशन सीसीपी का हो रहा है, ये बन रहा है एन के द्वारा। किसके द्वारा बन रहा है, एन के द्वारा बन रहा है। मतलब कि ये हो गया कि इस सीसीपी क्रिस्टल में स्फेयर के रूप में कौन आ गया, एन आ गया, ठीक है। स्फेयर रूप में कंसिडर करेंगे एन को, क्योंकि एन ही सीसीपी का रूप बना रहा है, ढांचा बना रहा है, ठीक है। और कहता है एम का जो एटम है ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, इस वॉइड में यहां पर बैठा हुआ है एम, और सारे वॉइड में नहीं बैठा हुआ है, जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उसका 1/3 पार्ट में बैठा हुआ है। तब कहता है कि बताओ इस तरह के सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम एन के रूप में होता है, कुछ ना कुछ होगा, एम एक्स होगा, एन वाई होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। यहां जो एक्स और वाई है वो एक रेशियो होता है एटम्स के नंबर का। मान लो कि एम का एटम 100 आ गया, एन का एटम 50 आ गया, तो यहां पर एम 100, एन 50, और 150 का रेशियो 2:1 आएगा, तो M2N1 यानी M2N फॉर्मूला बनेगा। मान लीजिए ये एक जनरल बात होता है, और यहां देखते हैं अब क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आए, उसमें एक चीज हमेशा मान लीजिएगा कि जो आपके पास स्फेयर्स हो, जिस एटम के बनाए गए स्फेयर्स हो, उन एटम के संख्या को एक्स मान लो। मान लिए यहां पर लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन इज इक्वल टू, कितना मान लिए, एक्स मान लिए। एन के एटम की संख्या कितनी हो गई, एक्स हो गई। मतलब कि हमारे पास स्फेयर कितने हो गए हैं, अब एक्स स्फेयर हो गए हैं, ठीक है। देयर फोर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो कितने होंगे, तो आपने पढ़ा है कि जितने हमारे पास स्फेयर्स होते हैं उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, कितना हो गया यहां पर, 2x टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। यानी कि हमारे एम के जो एटम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठे हैं, अगर वो टोटल में बैठते तो कितने में बैठते हैं, वो 2x में बैठते, यानी एम की संख्या कितनी हो जाती, 2x हो जाती। लेकिन टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में तो एम है ही नहीं, एम है हमारे पास कितने वॉइड में, तो इस टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट में है। यानी कि अगर यहां से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एम को देखें तो वो इस 2x के 1/3 पार्ट में बैठा हुआ है, मतलब कि एम का नंबर कितना हो गया, 2x/3 हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला बन चुका, मॉलिकुलर फॉर्मूला बन चुका हमारा एम एन। एम एन में एम की संख्या कितनी हमारे पास में है, 2x/3 है। एन की संख्या हमारे पास में कितनी है, एक्स है। और सबसे बेस्ट काम करना क्या है आपको, कि यहां 2x/3 और एक्स का रेशियो ले लेना है आपको। तो रेशियो में करते क्या है, हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन दोनों साइड कर सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, डिनोमिनेटर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जनरली नहीं रहना चाहिए, हालांकि यहां भी निकाल देंगे तो सही आंसर निकल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं रहता है। तो डिनोमिनेटर कटाने के लिए यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ रेशियो आ चुका है 2:2, कितना का, 3 का रेशियो आ चुका है। यानी कि ये फाइनल फॉर्मूला हमें देगा M2N3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। यही हमारे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा।
तो कुछ नहीं, आप स्फीयर्स को एक्स मान लें, जो स्फीयर हो जिनके एटम स्फीयर बना रहे हो, जिनके एटम क्रिस्टल बना रहे हो, उनके एटम्स की संख्या को एक्स मान लें, और जो भी आपके पास वॉइड होगा जिसमें कि कोई और एलिमेंट बैठा हुआ है उसको यहाँ पर सजेस्ट कर लें कि कौन सा वॉइड है और कितना बनेगा। अगर टोटल बनेगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर टोटल नहीं आपको हाफ वन फोर्थ वन थर्ड दिया हुआ रहेगा तो उस आधार पर उस एटम की संख्या निकाल लें जो उस वॉइड में बैठा हुआ है, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लें, रेशियो सिंपल कर लें, सिंपल करने बाद जो आंसर आएगा वही हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और आप अगर नए हैं इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे रोज के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।